रोहित शर्मा का फील सेट करना, हार्दिक पांड्या की खराब कैप्टेंसी या फिर ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और एनरिक क्लासन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग 50s, क्या थे एमआई वर्सेस एसआरएच मैच के टॉप मोमेंट्स? चलिए एक बार नजर डालते हैं। अब सबसे पहले तो आपको वो लास्ट मैच याद है जब एमआई का मुकाबला हुआ था गुजरात टाइटन से। एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जब हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को इंस्ट्रक्शंस देते हुए नजर आ रहे थे। हार्दिक पांड्या कहते हैं रोहित शर्मा कि आप जाइए, वो लॉन्ग ऑन पे खड़े हुई है, नहीं नहीं काम करिए, स्विच कर लीजिए, वो लॉन्ग ऑफ पे चले जाइए। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए और जो रोहित शर्मा अक्सर 30 yard सर्कल में फील्डिंग करते थे, अक्सर वो या तो स्लिप पोजीशन में रहते थे या तो पॉइंट पे रहते थे या फिर वो 30 yard सर्कल में रहते थे, उनको हार्दिक पांड्या ने बाउंड्री पे फील्डिंग कराई। लेकिन सिर्फ एक मैच का फर्क था और पूरी की पूरी कहानी पलट गई, क्योंकि इस मैच में जब एक तरफ से रनों की बरसात हो रही थी, हार्दिक पांड्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस बॉलर से गेंदबाजी कराएं, कौन से फील्डर को कहां पर लगाएं, तो फिर जिम्मा संभाला फिर से रोहित शर्मा ने। अब वैसे कप्तान तो हार्दिक पांड्या हैं, लेकिन कप्तानी उनसे हो नहीं पा रही थी और एकदम क्लूलेस मैदान पर वो नजर आ रहे थे, जिसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई पूरी तरह से रोहित शर्मा ने कि किस फील्डर को कहां पर लगाना है और किस गेंदबाज से गेंदबाजी करानी है। और इसी बीच ऐसा लगता है कि उसी मोमेंट का एक रिपीट टेलीकास्ट हुआ, क्योंकि रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को कहा कि आप जाइए और बाउंड्री पे फील्डिंग कीजिए। हार्दिक पांड्या कहते हैं कौन मैं? रोहित शर्मा ने कहा जी हाँ आप जाइए और बाउंड्री पे फील्डिंग कीजिए। और इसके बाद फैंस को ये मोमेंट बहुत ज्यादा मजेदार लगा, क्योंकि लास्ट मैच में काफी निराश हो गए थे फैंस के, रोहित शर्मा जो कि सबके कैप्टन है, इंडियन टीम के कैप्टन है, मुंबई के कैप्टन हुआ करते थे, उनको हार्दिक पांड्या कैसे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक मैच के अंदर पूरी बाजी पलट गई और रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दिया कि अब आप जाइए, आप बाउंड्री पे खड़े होइए, मैं दिखाता हूं कि कैसे करते हैं कप्तानी। इसके बाद अगर दूसरे बड़े मोमेंट की बात करें तो वो होंगी 3 बड़े खिलाड़ियों के रिकॉर्ड ब्रेकिंग 50s। अब जब इस मैच की शुरुआत हुई तो वो मयंक अग्रवाल शुरुआत में जल्दी पवेलियन लौट गए थे, जिसके बाद उम्मीद थी कि ट्रेविस हेड, जो कि वर्ल्ड कप में वो टीम इंडिया को हराने में एक बड़ा रोल निभा चुके थे, वो बहुत अच्छे से जानते हैं इंडियन कंडीशंस को, उम्मीद थी कि वो अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर कोई बड़ी पारी खेलेंगे, एक बड़ी साझेदारी निभाएंगे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो साझेदारी ऐसी होगी कि 277 रन बन जाएंगे। जी हाँ, दोनों ही खिलाड़ियों ने एसआरएच के लिए फास्टेस्ट 50 बनाने के मामले में अपना नाम 102 पे दर्ज करा लिया है। सबसे पहले अगर बात करें ट्रेविस हेड की, तो उन्होंने सिर्फ 18 बॉल में 50 पूरी की और अभिषेक शर्मा ने तो उनको भी पीछे छोड़ दिया, 2 बॉल कम ली और सिर्फ 16 बॉल में अभिषेक शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। और इसी के साथ दोनों खिलाड़ियों ने पावर प्ले के अंदर ही ये इंश्योर कर लिया कि मुंबई की पकड़ से मैच बहुत दूर निकल गया था, क्योंकि जहां 16 बॉल में अभिषेक शर्मा ने, 18 में ट्रेविस हेड ने और 23 बॉल में एनरिक क्लासन ने अपनी 50 पूरी कर ली। इसके अलावा अगर पूरे मैच की बात करें तो 34 बॉल में एनरिक क्लासन ने बनाए 80 रन और इसी के साथ ये चीज उन्होंने इंश्योर की कि ये मैच रिकॉर्ड्स बुक में दर्ज हुआ, क्योंकि एसआरएच आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम भी बन गई। उनका साथ एडन माकरम ने जरूर निभाया, लेकिन एनरिक क्लासन का इसमें एक बहुत बड़ा रोल था। इसके बाद अगर तीनों के बल्लेबाजी की बात करें तो एनरिक क्लासन अब वो आईपीएल में ऑरेंज कैप होल्डर भी बन चुके हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रन बना लिए हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट में। अब वैसे तो एसआरएच की भी वो ऑरेंज कैप ही है, तो ज्यादा फर्क नहीं लग रहा था, लेकिन ये कैप की बात नहीं है, ये बात इस चीज की है कि इस टूर्नामेंट में आपसे ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाए हैं और ये तीनों रिकॉर्ड ब्रेकिंग 50s थी। और वो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का नाम तो एसआरएच के लिए फास्टेस्ट 50s बनाने में भी 102 पे आ चुका है। इसके बाद अगर अगले बड़े मोमेंट की बात करें तो वो होगा हार्दिक पांड्या की खराब कैप्टेंसी। जी हाँ, वही हार्दिक पांड्या जिन पर काफी ज्यादा भरोसा था इस पूरे आईपीएल में मुंबई की टीम को, क्योंकि रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को आपने कैप्टेंसी से हटाया था, लेकिन अब तक खेले गए दोनों मैचेस में हार्दिक पांड्या पूरी तरह से निराश करते हुए नजर आए हैं। जो गलती उन्होंने पहले मैच में की, वो गलती उन्होंने दूसरे मैच में भी रिपीट की, और वो गलती थी जसप्रीत बुमराह को पावर प्ले में यूज ना करना, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो कि इंडिया के लिए भी बॉलिंग की शुरुआत करते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या ने क्या किया, पहले मैच में खुद आ गए पहला ओवर करने और दूसरे मैच में सिर्फ 17 साल के कोयना मफाका को पहला ओवर कराने की जिम्मेदारी दे दी। इसके बाद जसप्रीत बुमराह का ओवर आते आते चौथा ओवर निकल गया, पहले मैच में भी यही हुआ था, दूसरे मैच में भी यही हुआ, चौथे ओवर में जाकर जसप्रीत बुमराह को अपना पहला ओवर मिला और नतीजा ये हुआ कि 6 ओवर में ही सनराइजर्स हैदराबाद ने लगभग 100 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। चलिए मान लिया कि पहली गलती हो गई, पहले मैच में गलती हो गई, दूसरे में भी गलती हो गई, लेकिन जब वो रन्स बनने शुरू हुए, जब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने रनों की बरसात करनी शुरू की, तब भी हार्दिक को ये बात रियलाइज नहीं हुई कि शायद अब मुझे जसप्रीत बुमराह को अटैक में वापस ले आना चाहिए। जैसे कि वो कोई किताब पढ़कर आए थे कि जसप्रीत बुमराह तो सिर्फ डेथ ओवर्स में ही गेंदबाजी कर सकते हैं, उनके जो 3 ओवर्स हैं वो तो आखिर में ही यूज करने हैं। 13 ओवर्स तक इंतजार करना पड़ा जसप्रीत बुमराह को अपने दूसरे ओवर के लिए, जहां जेराल्ड कोइट्ज़ी हो, हार्दिक पांड्या हो, मफाका हो, पीयूष चावला हो, शम्स मुलानी हो, सबको एक के बाद एक रन्स पड़ रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी के लिए नहीं बुलाया जा रहा था।
ये तो बात हो गई कैप्टेंसी की। अगर मैदान पर देखें तो पूरी तरह से क्लूलेस नजर आए, कोई अंदाजा नहीं था हार्दिक पांड्या को कि अब किसको गेंदबाजी करानी है, कैसे फील्ड चेंजेस करने हैं, और आखिर में जाकर वो रोहित शर्मा की मदद उनको लेनी ही पड़ी। ये तो उनकी फील्डिंग की बात हो गई, उनकी कप्तानी की बात हो गई, उनकी बॉलिंग की बात हो गई, या बैटिंग की बात कर लें क्योंकि उनकी बैटिंग भी कुछ खास नहीं रही। एक टाइम पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी, जब रोहित शर्मा आउट हुए थे तो कप्तान आते सामने से और कहते कि मैं जाऊंगा बैटिंग के लिए, मैं बनाऊंगा रन्स, क्योंकि वहां भी तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने रन बनाए, क्लासन ने बनाए, ट्रेविस हेड ने बनाए। तो जब रोहित शर्मा आउट हुए तो हार्दिक पांड्या क्यों नहीं आ सकते थे? क्या वो टैग लगा हुआ है उन पर कि वो सिर्फ फिनिशर ही हैं? क्या जब टीम को उनकी जल्दी जरूरत है तो वो जल्दी नहीं आ सकते? क्योंकि नमन धीर आ गए, तिलक वर्मा आ गए, हार्दिक पांड्या नहीं आए। लेकिन चलिए फिर भी समझ आता है, यंगस्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 10 ओवर्स में 150 रन बोर्ड पर लगा दिए, और एक ऐसा टारगेट जो कि लग रहा था कि अचीव करना नामुमकिन है वो अचानक से मुमकिन लगने लग गया, क्योंकि आखिरी 10 ओवर में सिर्फ 120 रन चाहिए थे। लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी से भी निराश कर दिया। हार्दिक पांड्या ने 20 बॉल में सिर्फ 24 रन बनाए, और एक ऐसा मैच जहां पर सारे के सारे बल्लेबाज लगभग 200 या 250 के स्ट्राइक रेट से चल रहे थे, वहां पे हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट सिर्फ 120 का था। और जो मैच एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से मुंबई की पकड़ में आ जाएगा, वो पूरी तरह से मुंबई की पकड़ से बाहर हो गया, और इवेंचुअली मुंबई की टीम जो कि एक रिकॉर्ड चेज दर्ज कर सकती थी वो ये मुकाबला हार गई। और इसके बाद जाते जाते एक छोटे से मोमेंट की ओर बात करें तो हार्दिक पांड्या ने एक बहुत अच्छा शॉट खेला था जो कि पूरी उम्मीद थी कि छक्का हो जाएगा, लेकिन वहां पर मयंक अग्रवाल ने एक ऐसा कैच पकड़ा जिसके बाद ऐसा लगा कि मुंबई की टीम पूरी तरह से मैच से बाहर हो गई, क्योंकि उस टाइम पर हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट काफी नीचे था। अगर वो छक्का लग जाता तो शायद कॉन्फिडेंस आ जाता और वहां से रन बन जाते, लेकिन मयंक अग्रवाल ने बाउंड्री के करीब खड़े होकर एक ऐसा डाइव लगाया कि कैच तो वो नहीं पकड़ पाए लेकिन अपनी टीम के लिए उन्होंने 5 रन बचा लिए। उसके बाद जरूर छोटी सी चोट भी उन्हें लगी, लेकिन मयंक अग्रवाल ने ये इंश्योर किया कि उनके रहते बॉल बाउंड्री के पार नहीं गई। ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं लेकिन ये मैच में बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। अब इनमें से आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।